अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। शैन को पता चलता है कि उसके बेस्टी के बॉयफ्रेंड ने उसे फिर से धोखा दिया, इसलिए शैन उसे सबक सिखाने चाहती है। पर वहाँ एंट्री पे ही वो गलती से गिर गई थी, तभी उसे गार्ड्स पकड़ लेते हैं। मिस्टर वो पूछता है कौन हो तुम, तो कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, तब भी तुम औरों के साथ लगे पड़े हो। मिस्टर वो को लगता है कि वो पैसों के लिए सब नाटक कर रही है, इसलिए उसके ऊपर पैसे फेंक के मारता है। बट वो गुस्से से उसके मारने लगी थी तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। शैन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उसे धोना स्टार्ट कर देती है, उसे खूब लात मारती है। वो गिर गया था तो कहती है अगर मेरी बेस्टी को फिर से भूली किया तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। तभी उसे उसकी बेस्टी का कॉल आता है जो कहती है वो तो भाग गया। तब शैन को समझ आ जाता है कि उसने गलत आदमी को पीट दिया। मिस्टर हाउ का मैनेजर उसे उठाता है और वो सब उसे घूर रहे थे तो वो माफी मांगना चाहती है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई और भागने लगी थी। बट मिस्टर हाउ जैसे उसे पकड़ के खींचता है उसकी विग उसके हाथ में आ गई थी और वो उसका रियल फेस देख लेता है। वो फिर भी भागने लगी थी बट गेट बंद था और पकड़ी जाती है। बॉडीगार्ड्स उसे टेबल पर पटक दिया था तो कहती है ओ मिस्टर प्लीज मेरी बात तो सुनो, मैंने गलती से तुम्हें पीट दिया, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मिस्टर वो कहता है तुम्हारी वजह से मेरे कपड़े खराब हो गए और तुम इसे मिसअंडरस्टैंडिंग बोल रही हो। वो कहती है अच्छा कपड़ों की बात है तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, बताओ कितने हुए। मिस्टर वो कहता है ज्यादा नहीं बस 3 लाख के। ही वाज लाइक व्हाट 3 लाख, लूट मचा रखी है। मिस्टर वो कहता है ओके तुम नहीं दे पाओगी, मैनेजर इसके हाथ कटवा दो। और फिर कहता है रुको बताओ इसने कौन से हाथ से मुझे मारा था। मैनेजर कहता है हाथ से तो इसने नहीं मारा, इसने तो आपको अपनी लात से मारा है। चेहरे मिस्टर आओ का पोपट हो गया था पर मैनेजर फिर भी उसके हाथ पे बॉटल मारने लगा था। तभी वहाँ पर किसी की एंट्री होती है और वो है मिस्टर आओ की ग्रैंडमा। मिस्टर आओ हैरान आप तो हॉस्पिटल में थी यहाँ कैसे आ गई। तो ग्रैंडमा कहती है अगर मैं टाइम पे नहीं आती तो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को भगा ही देता। और शैन का हाथ पकड़ लेती है तुम अभी प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। शैन हैरान और कहती है ग्रैंडमा आप गलत समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। और मिस्टर आओ को इशारा करती है, वो कुछ बोलने वाला था पर ग्रैंडमा कहती है तू इतना इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो गया, अगर मैं तुझ पे नजर रखवाने किसी को ना भेजती तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। हैरान आप मुझ पे नजर रख रही हो। वो कहती है हाँ तुझसे तो मैं बाद में निपट लूंगी, बेटी बताओ तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहती हो, जल्दी से बताओ मैं तुम्हारे घर मैरिज का प्रपोजल लेके आने वाली हूँ। वो कहती है मेरा नाम शैन है पर मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। गलत समझ रही हो और अपना नकली बच्चा दिखाने वाली थी। ग्रैंडमा कहती है नहीं नहीं मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, डरो मत मैं तुम्हारी साइड हूँ। और मिस्टर हाउ को सुनाने लग जाती है, शैन अपने पेट में से जल्दी से पिल्लू निकालती है और उसे दिखाकर फिर अंदर रख लेती है। बट मिस्टर हाउ ये देख के शैन को पकड़ के खींच लेता है और कहता है ग्रैंडमा आप सच बोल रही हो। तो कहता है हाँ हाँ ग्रैंडमा मैं समझ गया अब मैं आपकी बात ही मानूंगा। शैन हैरान तो कहता है तुम्हें मेरे साथ नाटक करना होगा वरना मेरे कपड़ों के 3 लाख। तो शैन भी नाटक करने लग जाती है और उसे मार रही थी। ग्रैंडमा कहती है चलो तुम दोनों में सुलह होगी ना अब जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट ले आना। दोनों शॉक में, पर शैन जैसे तैसे करके वहाँ से भाग रही थी कि जिससे मैं अभी मिली हूँ मेरी उसे शादी होने वाली थी, शुक्र है मैं बच गई। वो जा ही रही थी तभी देखती है उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ जो उसकी पहले फ्रेंड थी, तो उसके थप्पड़ मार देती है बट वो लड़का उसकी मार देता है और कहता है तुम उससे ब्रेकअप करेगी, मैं तो उससे ब्रेकअप कर रहा हूँ और मैंने तुझे डंप कर दिया। शैन को गुस्सा आ रहा था पर वो शैन को धक्का मार देता है कि तुझे इस लड़की को कौन पसंद करेगा, गाँव की गवार, तू याओ जैसी ब्यूटीफुल थोड़ी ना है। याओ कहती है हाँ हुआंग ये बहुत बुरी है ना, ये तुम्हारे लायक नहीं है, इस शैन को तो कभी कोई लड़का पसंद नहीं करेगा। तभी वहाँ पर मिस्टर आओ आता है और कहता है किसने कहा इसे कोई लड़का लाइक नहीं करता, और आकर शैन को उठा देता है। वांग कहता है ये लड़का कौन है, जाने तो मेरी पीठ पीछे लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। शैन कहती है बकवास बंद कर तेरा मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बट वांग उसे करेक्टरलेस बोलने लगा था तो मिस्टर हाउ उसके घुसा मार देता है। याओ चिल्लाने लगी थी तो शैन उसे भी ठोक के गिरा देती है। मिस्टर हाउ वांग को पर कहता है अभी के अभी शैन से माफी मांग, वो सॉरी बोलता है तो वो उसका लॉकेट निकाल के उसके मुंह पे फेंक देती है कि मैं तेरे साथ शादी कैंसिल करती हूँ। वांग कहता है अच्छा तो मेरे सारे गिफ्ट वापस कर। शैन कहती है मैंने तो भी तुझे कितने गिफ्ट दिए। वो कहता है क्या पता वो सारे फेक हों। तो शैन उसके शूज निकाल के उसके मुंह पे फेंक के मारती है। वो अंग कहता है अभी मुझे 8 लाख वापस कर जो मैंने तुझे शादी के लिए गिफ्ट किया था। वो कहती है झूठ मत बोल तूने मुझे कब गिफ्ट किया। वो कहता है अपनी मॉम से जाकर पूछ। तो शैन फोन करके अपनी मॉम से पूछती है बट उसकी मॉम उसे डांटने लगी थी कि मैंने वो पैसे तेरे भाई के लिए लिए हैं और तू हुआंग से शादी कैंसिल नहीं कर सकती समझी तो
तू अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकती। शर्मू पैसे वापस मांग रही थी, बट उसकी मॉम मना कर देती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पैसे नहीं देने वाली। अगर तूने उसे शादी छोड़ी तो घर में मत घुसिए। शर्म को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मिस्टर राव कहता है मैं इसके पैसे दे दूंगा। फिर वो बेचारी बैठी ड्रिंक कर रही थी और कहती है सबके सब लड़के झूठे होते हैं, और मिस्टर राव को पकड़ के काटने लगी थी। वो कहता है रो मत, उस कम बैग के लिए तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। शर्म कहती है उसके लिए कौन रो रहा है, मैं तो पैसों के लिए रो रही हूँ, इतने सारे पैसे कहाँ से दूंगी। मिस्टर राव कहता है मैं दे तो रहा हूँ। वो कहती है अरे तुम्हें वापस भी तो करने पड़ेंगे ना। मिस्टर राव कहता है तुम मुझसे शादी कर लो और तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। इनफैक्ट मिस्टर राव ने ग्रैंडमा से पूछा था कि आप मुझे उस लड़की से शादी करने के लिए फोर्स क्यों कर रही हो, तो ग्रैंडमा ने बताया कि वो लड़की सच में दिल की अच्छी है, क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए तुमसे फाइट करने आ गई, वो कितनी ब्रेव है। और तो और मुझे खुश करने के लिए उसने तुम्हारे साथ प्रेग्नेंट होने का नाटक किया, कितनी काइंड है, तुम्हारे लिए बिल्कुल वही लड़की परफेक्ट है। मिस्टर राव मना कर रहा था तो ग्रैंडमा कहती है ओके मैं तेरे साथ शर्त लगाती हूँ, तू 3 महीने के अंदर अंदर उस लड़की से लव करने लगेगा। मिस्टर राव कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो ग्रैंडमा कहती है ओके अगर मैं हार गई तो मैं तुझे कभी भी दोबारा शादी करने के लिए फोर्स नहीं करूंगी। तो मिस्टर राव मान जाता है और शैन से कहता है ये रहा 3 महीने का एग्रीमेंट, हमारी 3 महीने के लिए शादी होगी, उसके बाद हम ब्रेकअप कर लेंगे, और मैंने तुम्हें जो भी पैसे दिए हैं बदले में तुम्हें वो वापस करने की जरूरत नहीं। वो कहती है सच में, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मिस्टर राव कहता है क्या हुआ तुम्हें मुझसे डर लगता है। तो कहती है तुमसे कौन डरता है, और जल्दी से साइन कर देती है। फिर नेक्स्ट डे जब वो उठ के आती है तभी देखती है मिस्टर राव नहाकर बाहर निकल रहा था सिर्फ टॉवल में, तो उसे देखकर जल्दी से मुंह फेर लेती है और चिल्लाने लगी थी तुम पर्वर्ट हो क्या, मेरे घर में बिना कपड़ों के घूम रहे हो। मिस्टर राव हंस रहा था और फिर उसके क्लोज आने लगता है तो उसकी कमर पकड़ कहता है हमारी शादी हो गई है, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूंगा। बट वो चिल्लाकर उसे पकड़ के गिरा देती है, जबकि मिस्टर राव की टॉवल उसके हाथ में आ गई थी। जैसे वो उसे देखती है तो इतनी तेज चीख मारती है कि पूरी बिल्डिंग ही हिल गई थी। नेक्स्ट सीन में वो ब्लैंकेट लपेट के बैठी थी और कहती है तुम जाओ, मैंने रात भर पी थी ना, मैं अभी टल्ली हूँ, ये शादी नहीं मानी जाएगी। वो खड़ा होता है तो कहती है करीम मत आओ। तो मिस्टर राव नाटक करने लगा था और कहता है विक्टिम तो मैं हूँ, सच बताऊं तो मैं बहुत पुअर हूँ। वो कहती है पर तुमने तो मुझे 8 लाख दिए थे। वो कहता है वो तो मेरी सेविंग्स थी। शैन कहती है पर तुम्हारे कपड़े तो 3 लाख के थे। वो कहता है वो तो मेरे बॉस ने मुझे दिया था, मैं ड्राइवर हूँ ना उनका। शैन वाज लाइक बेड़ा गर्क हो गया। मिस्टर राव सोचता है अब तो ये सब सुन के ये मुझे पक्का घर से बाहर निकाल देगी, और कहता है सच कहूं तो एक और बात है, मेरी ग्रैंडमा की सर्जरी होनी है और मुझे 1 लाख चाहिए, तो मुझे दे दोगी। शैन गुस्से में और उसे बाहर निकाल देती है, पर जब वो जा रहा था तो विंडो से चीख मार के पूछती है क्या तुम जो बोल रहे थे वो सच है। मिस्टर राव हाँ करता है तो कहती है ओके तो मैं तुम्हारी ग्रैंडमा की सर्जरी के लिए पैसे दे दूंगी, अभी मेरे पास सिर्फ 80,000 है, तो बाकी का मैं जल्दी इंतजाम कर दूंगी। मिस्टर राव कहता है सच में तुम मेरी वाइफ हो इसलिए। वो कहती है नहीं तुमने मेरी हेल्प की थी इसलिए। मिस्टर राव कहता है पर मैं तुम्हें वापस नहीं कर पाऊंगा। वो कहती है कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट वो मिस्टर राव के साथ आती है रेस्टोरेंट में, पर आते ही उसका मजाक उड़ाने लगी थी कि तेरे कपड़े कितने पुराने हैं और पर्स बिल्कुल भिखारियों वाला है, क्या तू सच में ऐसे घटिया कपड़े पहन के स्कूल यूनियन अटेंड करने आई है। शैन कहती है तो तुझे इससे क्या, मेरा जो कुछ है मैंने वो अपने पैसों से लिया है, ना कि तेरी तरह औरों के पैसों से छीना है। तभी रेस्टोरेंट का चीफ आता है और मिस्टर राव को गुड आफ्टरनून करने लगा था, पर वो उसे इशारा कर रहा था। राव कहती है तुम्हें इसे नहीं मुझे ग्रीट्स करना चाहिए, ये तो बस एक घटिया सा ड्राइवर है। पर शैन उनकी बातों पे ध्यान नहीं देती, पर चीफ हैरान था कि मिस्टर राव ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। राव कहती है अरे ये तो VIP रूम है, हुआंग क्या तुमने ये बुक किया है। वो कहता हाँ मैंने ये बुक किया है तुम सबके लिए, मेरी तरफ से सबको ट्रीट है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि हुआंग को चीफ ने बताया था कि आज VIP रूम फ्री है, तुम्हें बिल्कुल भी पैसे देने की जरूरत नहीं, सब कुछ फ्री खाना मिलेगा, इसलिए हुआंग सबको झूठ बोल रहा है कि मैंने अपनी तरफ से फ्री किया है। मिस्टर राव पूछता है फ्री है बताओ तुम क्या खाओगी। वो कहती है क्रेफिश। तो हुआंग उसका मजाक उड़ाने लगा था कि देखो देखो गांव की ग्वार इतने बड़े रेस्टोरेंट में आकर भी क्रेफिश मांग रही है, वेटर जल्दी से मेरे लिए लॉबस्टर लेके आओ सबसे बड़ा वाला। शैन उसे स्कमबैग बोल देती है तो वो गुस्से में था। मिस्टर राव कहता है तो पिटना चाहता है क्या। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि शैन मिस्टर राव को कहती है ये पहन लो हम दोनों को मिलकर पैसे कमाने होंगे, मैंने एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढी है, तुम ड्राइवर हो ना। वो मना कर रहा था तभी वहाँ पर या और हुआंग आते हैं और उन दोनों का मजाक उड़ाने लगे थे, और बताता है कि तू तो बस एक छोटा सा ड्राइवर है, और पता है मैं कौन हूँ, मैं अभी अभी फेंगयान कंपनी का सुपरवाइजर बना हूँ जो यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है,
अभी कुछ दिनों में स्कूल यूनियन होने वाला है, तो शैन क्या तू इस गरीब लड़के के साथ आएगी? शैन कहती है, तमीज से बात कर, वैसे मुझे उस घटिया स्कूल यूनियन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट मिस्टर उसे पकड़ के कहता है, हाँ हम जरूर आएंगे। शैन सोचती है, ये क्या कर रहा है, पैसे बचाने के बजाय खर्च करवा रहा है। और इसी वजह से वो दोनों स्कूल यूनियन में आए थे। पर हुआंग तब भी उनका मजाक उड़ा रहा था कि तुम इतनी महंगी डिश खाओगे तो तुम पैसे कहाँ से पे करोगे, औकात है? अगर तुम मेरे आगे झुक जाओ तो मैं तुम्हें बिल माफ करवा दूंगा। पर शैन को गुस्सा चाहता है और कहती है, भूलो मत जब तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। याओ कहती है, पता है ये रेस्टोरेंट किसका है? ये फेंगयान कंपनी का है और मैं उसी कंपनी में काम करती हूँ। मेरी कंपनी के सीईओ से भी जान पहचान है। और बाकी सब लोग भी याओ और हुआंग की साइड ले रहे थे। पर मिस्टर हाओ मैनेजर को कॉल करता है और कहता है, इस हुआंग को अभी कभी फायर करो। वो दोनों हंस रहे थे, उन्हें लग रहा है ये सब मजाक कर रहा है। तभी हुआंग को फोन आता है। हुआंग कहता है, देखा मुझे बॉस के पर्सनल मैनेजर ने फोन करा है, और लाउडस्पीकर कर देता है। पर वो मैनेजर कहता है, तू अब से फायर है। वो दोनों हैरान, ये कैसे हो सकता है, और कहते हैं, कहीं यही सीईओ तो नहीं? और उसे ड्रिंक देने लगे थे, सॉरी सॉरी हमें माफ कर दो। वो कहता है, अच्छा मैं तुझे माफ कर दूं, चल मेरे सामने डांस करके दिखा। यो हुआंग मना कर रहा था बट वो उसे डांट के मारता है, इसलिए हुआंग डांस करने लगा था। और शैन को उसका डांस देख के हंसी आ रही थी। मिस्टर हाओ कहता है, कैसे लगे इसके ठुमके? याओ और हुआंग जैसे बाहर जाने लगे थे, चीफ कहता है, तुम लोगों को बिल पे करना होगा। वो कहता है, पर आज का वीआईपी खाना तो फ्री था ना? चीफ कहता है, हाँ वो सीईओ के लिए फ्री है, तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि वो हमारे वीआईपी कस्टमर हैं, इसलिए हमने उनके फ्रेंड्स के लिए फ्री किया था, बट तुम लोग उनके फ्रेंड्स नहीं हो। ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 लाख, तुम दोनों के तो होश उड़ गए थे। तभी हुआंग को किसी का फोन आता है और वो बताता है कि वो सीईओ नहीं है, क्योंकि सीईओ तो बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ है। हुआंग गुस्से में था कि तूने मुझे पागल बनाया। शैन कोल्ड ड्रिंक पी रही थी और उसे देख रही थी। वो कहता है, तुम मुझे घूर रही हो, बताओ क्या पूछना है। शैन कहती है, क्या तुम सच में फेंगयान कंपनी के सीईओ हो? वो कहता है, नहीं तो। वो कहती है, पर तुमने तो फोन किया था। मिस्टर कहता, वो मेरे तो फेंगयान कंपनी के सीईओ के मैनेजर से ना फ्रेंडशिप है, हम दोनों चड्डी बड्डी यार है ना, इसलिए उसने एक्टिंग की मेरे लिए। शैन पहले तो यकीन नहीं करती बट वो बार बार कह जा रहा था, तो कहती है, अच्छा तो इसलिए उसने तुम्हारी हेल्प की? मैं तो डर गई, मुझे लगा तुम ही सीईओ हो, मैंने तो सुना है सीईओ बहुत खड़ूस है। मिस्टर हाओ सोचता है, ये तो सच में कितनी क्यूट है। तभी शैन को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो जैसे घर आती है उसकी मॉम उसको थप्पड़ मारने लगी थी कि तूने हुआंग को परेशान किया, तू इसके 8 लाख उसे वापस क्यों नहीं कर रही? वो कहती है, मैंने ऑलरेडी दे तो दिए हैं, बट हुआंग झूठ बोल रहा था कि मुझे तो कोई पैसे नहीं मिले। मैंने पैसे तेरी मॉम को दिए हैं तो तेरी मॉम को मुझे वापस करने पड़ेंगे। शैन को गुस्सा जाता है और उसे धक्का मार देती है। हुआंग जैसे गुस्से से मारने लगा था तभी वहाँ पर मिस्टर हाओ आ जाता है, तो वो कहता है, तू अपना नाटक बंद कर, मुझे सब पता चल गया, तू सीईओ नहीं है। मिस्टर हाओ पूछता है, ये तुम्हारे किसने मारा? वो कहता है, मैंने नहीं मारा, बट वो उसके थपड़ा मार देता है। हुआंग उसके गुस्से से मारने लगा था तो मिस्टर हाओ उसके हाथ पकड़ के मोड़ देता है और उसे खूब मारता है। हुआंग कहता है, मैं सीईओ को बताऊंगा कि तू सीईओ बनने का नाटक कर रहा है, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। और लंगड़ाता हुआ भाग गया था। शैन की मॉम कहती है, जाकर उससे माफी मांग। शैन मना कर रही थी तो उसकी मॉम फिर से उसके थप्पड़ मार देती है कि तुझे अपने भाई की फिक्र नहीं है, उसका ध्यान कौन रखेगा। मिस्टर हाओ को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी मॉम उसे मार रही थी और उसे सुना रही थी। कहता है, ए बुढ़िया, शैन से माफी मांग। कहती है, तू कौन होता है, मैं अपनी बेटी के साथ कुछ भी करूं? तो मिस्टर हाओ उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है कि ये मेरी वाइफ है और इसे प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज है, अगर दोबारा हाथ लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो उसकी मॉम फिर से सुनाने लगी थी कि तूने किसी गरीब से शादी कर ली, इससे अच्छा होता किसी अमीर बुढ़े से शादी कर लेती, कम से कम कुछ पैसे तो मिलते। और मिस्टर हाउस से पूछती है, तेरी कितनी सैलरी है? वो 5 का इशारा करता है, उसका मतलब तो 500 मिलियन, बट उसकी मॉम को लगता है 5000 इतने कम। और उसके थप्पड़ मारने वाली थी बट शैन उनका हाथ पकड़ लेती। उसकी मॉम उस लड़के से डिवोर्स करने को बोल रही थी पर शैन साफ साफ मना करके उसके साथ जाने लगती है। तो उसकी मॉम कहती है, अच्छा तो ठीक है, मैं तेरी एक अमीर बुढ़े से शादी करवा दूंगी, मेरी उससे जान पहचान है, बदले में हम बहुत से रिच हो जाएंगे। शैन कहती है, तुम मुझे पैसों के लिए बेच रही हो, आपको बस अपने बेटे की फिक्र है, मेरी नहीं। उसकी मॉम डाइवोर्स को कहे जा रही थी और उसके मारने लगी थी बट शैन उनको पकड़ लेती है और कहती है, मैंने बोला ना मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी, मतलब नहीं, अब तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलने वाला, समझे तुम। और उन्हें धक्का मार देती है बट उसकी मॉम चिल्लाने लगी थी। शैन इतना तो समझ गई थी कि उसकी मॉम कितनी गिरी हुई है। तो मिस्टर हाओ उसे पकड़ के कहता है, चलो घर चलते हैं। उसका हाथ पकड़ के उसके साथ चली जाती है और फिर मिस्टर हाओ से माफी मांगती है, सॉरी तुम्हें ये सब तमाशा देखना पड़ा। वो कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम रो के अपना दिल हल्का करना चाहती हो तो रो लो। तो वो रोने लग जाती है बहुत तेज तेज। मिस्टर हाओ उसे कम्फर्ट करने लगा था
वो कहती है तुम्हें कंफर्ट करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है मैं कंफर्ट नहीं कर रहा, सच में तुम बहुत अच्छी लड़की हो। शैनन उसे देखने लगी थी तो मिश्रा उसे क्लोज होकर उसे किस करने वाला ही था, पर उसके पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। वो कहती है क्या तुम्हें भूख लग रही है। वो कहता है नहीं, और नहाने भाग जाता है। फिर मिश्रा मजे से नहा रहा था बट तभी पानी बंद हो जाता है। वो चिल्लाने लगा था कि पानी बंद हो गया। वो कहती है मैं अभी चेक करती हूँ, और जैसे गेट खोलती है उसे देखकर फिर चिल्ला पड़ती है। उसने आंखें बंद कर ली थी तो वो जल्दी टॉवल बांधकर उसे चुप करा देता है। शैनन उसे देखने लगी थी तो मिश्रा अपना हाथ लगाकर उसे किस करने लग जाता है, बट वो उसे धक्का मार कहती है क्या कर रहे हो। वो कहता है वही जो हस्बैंड वाइफ रोज करते हैं, बट वो जल्दी से भाग जाती है जबकि मिश्रा को हंसी आ रही थी। फिर शैनन काम पे आती है बट वो काफी थकी हुई लग रही थी तो उसकी बेस्टी कहती है तूने रात भर ऐसा क्या किया है जो थकी हुई है, मेरे पीछे कोई लड़का तो नहीं ढूंढ लिया। शैनन कहती है नहीं तो, पर उसे याद आता है कि वो मिस्टर हाओ के किसेस की वजह से रात भर सो नहीं पाई थी चैन से, पर कुछ भी हो रही थी। तभी वहां पर शैनन का भाई भगा भगा आता है और चिल्ला रहा था। वो कहती है तमीज से पेशा हो ये कंपनी है, चिल्ला क्यों रहे हो, वो फोन क्यों उठा रही, पता है मॉम कितने गुस्से में है। कहती है क्या हुआ मॉम को, अगर वो बीमार है तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। भाई कहता है तूने इस गरीब से शादी की इसलिए मॉम की तबीयत खराब है। वो कहती है गरीब, तमीज से बात कर, और तू कौन होता है मेरे मामले में बोलने वाला, भूल गए तेरी स्कूल ट्यूशन फीस तक मैंने दी है। वो कहता है तो क्या हुआ, तो बड़ी बहन है तुझे देने पड़ेंगे पैसे, पर तूने मेरी इंसल्ट करा दी पूर से शादी करके। तो वो उसके थप्पड़ मार देती है कि तू अपने ब्रदर इन लॉ के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है। वो कहता है तूने उस गरीब के लिए मुझे मारा, पछताएगी, और गुस्से चला जाता है। ऐसे पूछती है तू ठीक तो है ना। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और डांटने लगा था कि कौन शोर मचा रहा है। वो कहती है सॉरी मेरा भाई था, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। मैनेजर कहता है ये कंपनी है कोई मच्छी बाजार नहीं, समझे तुम, और चला गया था। पर बेस्टी को गुस्सा आ रहा था तो वो शांत कराती है। पूछती है तेरा भाई बोल रहा था तेरी शादी हो गई, तूने किससे शादी कर ली। तभी शैनन को पता चलता है कि उसका भाई और मॉम कंपनी में आकर बवाल कर रहे हैं। दोनों बाहर आते हैं, उसकी मॉम चिल्ला रही थी कि मेरी बेटी ने मुझे बुली किया है। शैनन आकर उनका हालचाल पूछती बट वो उसके थप्पड़ मार देती है। बेस्टी उसकी साइड लेने लगी थी तो उसका भाई उसे मारने लग जाता है तो शैनन उसे मार देती। तो शैनन कहती है मेरी फ्रेंड को हाथ भी मत लगा देना, और उसके मार देती है। मॉम कहती है तूने मेरे दिल के टुकड़े को हाथ लगाया, और उसके मारने लगी थी बट शैनन उन्हें धक्का मार देती है। फिर क्या उन लोगों में फाइट स्टार्ट हो गई थी, और फिर सिक्योरिटी गार्ड उसकी मॉम और उसके भाई को पकड़ के खींच के ले गए थे। शैनन काम कर रही थी तो मैनेजर आके कहता है तुम्हें कंपनी से फायर किया जाता है, तुम्हें क्या लगता है तुमने कंपनी को जोक समझ रखा है, तुम्हारी वजह से आज कितना तमाशा हुआ। वो कहती है सॉरी बट मैं तो खुद विक्टिम हूँ, बट उससे तो फायर कर दिया गया था। बेस्टी पूछती है अब तू क्या करेगी। वो कहती है मुझे भी नहीं पता। तो बेस्टी कहती है अभी फेंगेन कंपनी में रिक्रूटमेंट्स हुए हैं, क्यों ना तो उसमें अपना रिज्यूमे सबमिट कर दे। इसलिए शैनन फेंगेन कंपनी में रिज्यूमे लेकर जाती है, बट वहाँ उसे वो चंपू हुआंग मिल जाता है और कहता है तुझे क्या लगा तू सीईओ की वाइफ है, कंपनी में घुसी चली आ रही है। शैनन कहती है तुझे क्या। तो वो उसको थप्पड़ मार कहता है मुझे उल्टा बोलेगी, आज मैं फेंगेन कंपनी के साथ कोऑपरेशन करने आया हूँ, और तुझे और तेरे उस गरीब को सीईओ के सामने कन्फ्रंट करूंगा। शैनन उसे इग्नोर कर जाने लगी थी बट वो उसका रिज्यूमे पकड़ लेता है और कहता है तू यहाँ जॉब करने आई है, और रिज्यूमे फाड़ देता है। तो वो उसके थप्पड़ मार देती है, वांग उसके मारने लगा था तो वो दूर हो गई थी, बट वो उसे पकड़ लेता है और उसके जबरदस्ती करने लगा था। शैनन उसे धक्का मार देती है, कहता है टेंशन मत ले मैं तेरे उस गरीब से तो बैठा ही हूँ। तो वो उसके वीक पॉइंट पे लात मार देती है, वांग उसके मारता है तभी मिस्टर हाओ पकड़ के उसे गिरा देता है। तो कहता है मेरा हाथ छोड़ दे बहुत दर्द हो रहा है। वो चिल्ला रहा था जबकि शैनन उसके साथ सेल्फी ले रही थी और उसकी आंखों में मार देती है। मिस्टर हाओ पूछता तुम ठीक तो हो ना, वो कहती हाँ बिल्कुल, शी वॉज लाइक एकदम चकाचक। वांग कहता है मैं सीईओ के साथ कोऑपरेशन करने आया हूँ, 300 मिलियन का, कभी सुने भी है इतने पैसे। मिस्टर हाओ कहता है ऑफ कोर्स मैं कंपनी का बॉस हूँ तो इतना तो लेन देन चलता रहता है। शैनन सोचती है इससे क्या हो गया, कुछ ज्यादा ही नाटक नहीं कर रहा सीईओ बनने का। वांग कहता है अगर तू इसी कंपनी का सीईओ हुआ तो मैं अभी के अभी ऑन द स्पॉट शिट खाऊंगा। मिस्टर हाओ वॉज लाइक तो तैयार रहना शिट खाने के लिए। शैनन कहती है चलो छोड़ो कुछ ज्यादा हो गया चलते हैं, बट मिस्टर हाओ उसका मुंह बंद कहता है ओके तो तैयार हो। और फिर मैनेजर को कॉल कर बुलाता है कि तुमने इस हुआंग को कंपनी में घुसने कैसे दिया। हुआंग हंस रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि सीईओ तो बिजनेस ट्रिप पे गया है। शैनन तूने कैसा लड़का ढूंढा है, एकदम अपने जैसा गवार। शैनन कहती है बकवास बंद कर, मिस्टर हाओ तुझसे कई गुना ज्यादा हैंडसम है और तू एकदम भोंदू। हुआंग गुस्से से उसके मारने वाला था बट मिस्टर हाओ उसके गुस्सा मार देता है, तो वो उठ के गुस्से से उसके चेयर मारने लग जाता है। तभी वहाँ मैनेजर और बॉडीगार्ड आ जाते हैं। वांग मैनेजर को उसकी शिकायत करने लगा था
पर मैनेजर उसके थप्पड़ मार देता है। तेरी हिम्मत कैसी हमारे सीईओ से बदतमीजी से पेश आने की? उसके थप्पड़ पर थप्पड़ लगाया जा रहा था जबकि मिस्टर हाओ आराम से खड़ा देख रहा था सारा सीन, और शैन उसे देख रही थी। हुआंग मिस्टर हाओ से माफी मांगने लग जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें दोबारा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और जाने लगा था। मिस्टर हाओ कहता है रुक तो सही, अभी तो चीज शिट भी खाना है। तो मैनेजर उसे पकड़ के घुटनों के बल गिरा देता है। वो कहता है मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, तुम मुझे सच में थोड़ी ना शिट खिलवाओगे? मिस्टर हाओ कहता है ऑफ कोर्स, तुमने कहा है तो पूरी तो करनी पड़ेगी विश। और कहता है मैनेजर इसे टॉयलेट में ले जाओ, आज इसका पेट भर के जाना चाहिए। तो हुआंग उसके पैरों में घिस जाता है कि प्लीज मुझे बस इस पर माफ कर दो। मिस्टर हाओ उसे लात मार के कहता है ओके तो ये फाइनल वार्निंग है, अगर इसके बाद तूने शेन को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला। तो वो सॉरी बोल के भाग जाता है, पर जैसा कि आपको पता है गुंडे कैसे होते हैं, वो कभी सुधरते तो है नहीं। और कहता है शैन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शैन कहती है चलो इसका काम तो निपट गया, मैं सच कहूँ तो मुझे एक बार उसे शिट खाते हुए देखना था, चलो छोड़ो। मैनेजर थैंक यू, तुम मिस्टर हाओ के अच्छे फ्रेंड हो। मैनेजर के साथ हेलो करने लगी थी बट मिस्टर हाओ खांसता है तो जल्दी से हाथ छुड़ा लेता है। कहता है सॉरी मैम, आई मीन मिस शैन, आपको परेशानी हुई। फिर शैन उन्हें बताती है कि वो यहाँ इंटरव्यू देने आई है पर उस कम बैग ने मेरा रिज्यूमे फाड़ दिया। मैनेजर कहता है कोई बात नहीं, हम आपके लिए दोबारा रिप्रिंट करवा देंगे। शैन को थोड़ा अजीब लग रहा था कि मैनेजर मिस्टर हाओ की सारी बातें मान रहा है, और फिर चली जाती है। मैनेजर कहता है बॉस आप अपनी वाइफ को अपनी आइडेंटिटी कब बताओगे? मिस्टर हाओ कहता है बस थोड़ा टाइम और। मैनेजर पूछता है आपकी वाइफ जॉब के लिए आई है तो क्या मैं कंपनी में सबको बताऊं इस बारे में कि वो आपकी वाइफ है? मिस्टर हाओ कहता नहीं, मुझे उसकी काबिलियत पे भरोसा है, उसे खुद अपने आप करने दो सब हैंडल, पर हाँ कोई उसे बुली ना कर पाए। शैन इंटरव्यू देने आई थी बट तभी बाहर से देखती है डायरेक्टर एक आदमी से रिश्वत ले रहा था और उसे जॉब दे देता है बदले में। पर शैन जैसे अपना रिज्यूमे देती है डायरेक्टर कहता है सॉरी तुम इस जॉब के लिए सही नहीं हो। वो कहती है पर तुमने तो मेरा रिज्यूमे देखा भी नहीं। बट डायरेक्टर मना कर देता है कि अभी कभी निकलो यहाँ से। वो कहती है तुमने पहले वाले उस आदमी से रिश्वत ली थी। वो कहता है हाँ ली थी तो तुम्हारे पास कौन सा कोई सबूत है? वो कहती है तुम्हारे ड्रॉअर में रखी है तुमने। बट वो मान नहीं रहा था। शैन कहती झूठ मत बोलो मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी। बाहर डायरेक्टर गार्ड्स को बोल के उसे बाहर निकलवा देता है। जब गार्ड उसे पकड़ के लेके जा रहे थे मिस्टर हाओ देख लेता है और मैनेजर को पता करने को कहता है। और फिर मिस्टर हाओ डायरेक्टर के ऑफिस में आता है। डायरेक्टर उसे अच्छे से बात कर रहा था। मिस्टर हाओ कहता है मुझे सब पता चल गया है कि तू रिश्वत लेके जॉब देता है, और उसे जॉब से फायर कर देता है। इधर शैन घर पे सैड पड़ी थी। मिस्टर हाओ पूछता है क्या हुआ तुम जॉब पे नहीं जा रही? वो कहती है मेरी लाइफ तो एकदम घटिया है। इनफैक्ट वो बहुत डिमोटिवेट थी। तभी उसे फोन आता है कंपनी से और वो बताते हैं कि तुम जॉब के लिए सिलेक्ट हो गई, तो वो बड़ा खुश होती है और खुशी के मारे मिस्टर हाओ को हक कर लेती है। वो भी उसे हक कर लेता है बट फिर दोनों को एहसास होता है कि वो दोनों बहुत ज्यादा करीब हैं। मिस्टर हाओ कहता है तुमने बहुत लिपस्टिक लगा रखी है। वो कहती है पर मैंने तो लिपस्टिक लगाई नहीं है। नेक्स्ट डे वो उसे हेलमेट दे रही थी। वो कहता है ये क्या है? कहती है हम दोनों साथ में जॉब पे चलेंगे ना, वरना क्या तुम बस से जाओगे? मिस्टर हाओ के पास कार की चाबी थी बट वो जेब में रख लेता है और कहता है ओके इसी से चलेंगे। तो चलते हैं और जैसे वो स्कूटी स्टार्ट करने लगा था पर उसे चलानी नहीं आती और ठोक डालता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों नीचे पड़े थे स्कूटी समेत। पूछता है तुम ठीक तो हो ना? शैन कहती है तुम्हें स्कूटी चलानी नहीं आती? तो वो उसके सिर पे टच करके चेक करता है उसे चोट तो नहीं लगी, और वो उसके चेक करते हुए मार देती है। तो दोनों हंस पड़ते हैं। फिर चीफ कंपनी में सबको शैन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये न्यू इंटर्न है। उसी कंपनी में याओ भी जॉब करती है और कहती है अरे वाह हम बिछड़े हुए फ्रेंड्स तो मिल गए। उससे चिपकने लगी थी जबकि शैन को पता था कि ये सब ड्रामा कर रही है वो, और वो जैसे उसे हाथ छुड़ाती है याओ जानबूझ के गिर जाती है और कहती है तुमने मुझे धक्का मारा। सब लोग कहते हैं देखो तुम न्यू हो इसका मतलब ये नहीं तुम किसी को भी बुली करोगी। शैन बताती है कि मैंने तुम्हें धक्का नहीं मारा, और एक लड़की याओ को पकड़ के उठाती है। याओ कहती है हाँ हाँ जरूर तुमसे गलती से हो गया होगा, और उसके कान में कहती है मैं भी देखती हूँ कब तक तू गांव की गवार इस कंपनी में रह पाएगी। और कहती है शैन अभी भी न्यू आई है तो उसे सबको कॉफी की ट्रीट देनी चाहिए, है ना शैन? कॉफी लेके आओगी ना? तो शैन गुस्से से लेने चली जाती। मिस्टर एलिवेटर में जाने वाला था, शैन उसे देख लेती है और इधर उधर देख के जल्दी से पकड़ के एलिवेटर के अंदर खींच लेती है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मिस्टर कहता है क्या हुआ तुम मुझे मिस कर रही थी? अपनी बाहों में खींच लिया। कहती है क्या बकबक कर रहे हो? तुम कंपनी के इस एरिया में नहीं घुस सकते, तुम एम्प्लॉय होकर आराम से घूमते फिर रहे हो। किसी तीसरे ने हमें देख लिया तो? वहीं पे डिलीवरी वाला उन्हें खड़ा देख रहा था। शैन कहती है अगर कंपनी के सीईओ ने देख लिया तुम तो गए काम से। बट वो उसे पकड़ के खींच लेता है और कहता है क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? वो कहती है मुझे तुम्हारी चिंता क्यों होगी, मैं तो बस कॉफी डिलीवर करने आई थी, और भाग जाती है। मिस्टर हाओ मैनेजर को फोन करता है कि चीफ को समझाओ मेरी वाइफ से कॉफी मंगवाई जा रही है। इधर मैनेजर चीफ को बता रहा था कि
इस कंपनी में सीईओ की वाइफ भी है। पर तभी वहाँ पर याओश आती है और शिव को ये गलतफहमी हो जाती है कि उसे लगता है कि याओ सीईओ की वाइफ है। तो मैनेजर के जाने के बाद याओ से पूछता है कि तुम सीईओ की वाइफ हो? पूछती है अगर मैंने हाँ कर दी तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, और कहती है हाँ। और बाकी एम्प्लॉयज भी सुन लेते हैं कि अच्छा तो याओ सीईओ की वाइफ है। याओ कहती है मैं ना अपने आप को लो प्रोफाइल रखना चाहती थी, पर जैसा कि तुम सबको पता चल ही गया है तो प्लीज ये मेरा सीक्रेट रखना, किसी को मत बताना। और फिर क्या, सब लोग याओ के साथ अच्छा बिहेव करने लगे थे। सोचती है ये सीईओ की वाइफ कब बन गई, ये सब चल क्या रहा है। सारे एम्प्लॉयज याओ से मीठी मीठी बातें कर रहे थे। शैन सोचती है क्या इसने उस हुआंग से ब्रेकअप कर लिया, कहीं वो सीईओ ब्लाइंड तो नहीं है। और फिर शैन को कॉफी देने के बहाने जानबूझ के उसके ऊपर कॉफी गिरा देती है। सॉरी सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया, पर फिर हंस रही थी। तभी याओ आकर शैन से कहती है सब लोग 5000 इकट्ठे कर रहे हैं, चीफ का बर्थडे आने वाला है, उसे पार्टी देनी है। शैन कहती है तुम तो प्रेसिडेंट की वाइफ हो ना, तो तुम्हें पैसों की जरूरत। सब एम्प्लॉयज बातें बनाने लगे थे कि हाँ प्रेसिडेंट की वाइफ के पास तो बहुत पैसे होंगे। याओ कहती है हाँ मेरे पास बहुत पैसा है। तो शैन कहती वाह कितनी दयालु है। आपको गुस्सा आ रहा था पर शैन हंस रही थी। याओ फिर सारी बात हुआंग को बताती है, तो हुआंग एक प्लान बनाता है उसके साथ मिलके। शैन जल्दी घर जाने वाली थी बट एम्प्लॉयज से बताते हैं कि आज तो चीफ का बर्थडे है, सब लोग साथ में डिनर करेंगे रेस्टोरेंट में। शैन मना कर रही थी क्योंकि उसे जल्दी घर जाना है, बट याओ कहती है तुम वहाँ नहीं जाओगी तो चीफ तुम पे गुस्सा करेंगे। सब लोग बोलने लगे थे इसलिए शैन को भी जाना पड़ता है। और फिर सब चीयर कर ड्रिंक करते हैं। याओ कहती है तुम न्यू हो तो तुम्हें ज्यादा ड्रिंक करना चाहिए। शैन मना करती है जिससे चीफ गुस्सा होने लगे थे इसलिए शैन को पीना पड़ता है। बट याओ उसके ड्रिंक में कुछ मिला देती है जिससे उसका सिर घूमने लगा था और वो वॉशरूम जाने लगी थी। उसे वॉशरूम कहीं मिल नहीं रहा था पर उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो जल्दी से रूम में घुस जाती है और मिस्टर हाउ को फोन करने लगी थी बट वो उसका फोन नहीं उठाता। इतने वहाँ पर हुआंग घुस आया था। शैन उस पे पिल्लो फेंक के मारती है, कमीने बाहर निकल यहाँ से, बट वो उसके ऊपर कूद जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो उसका गला घोटने लगा था, शैन खुद को बचा रही थी तो वो उसके थप्पड़ मार देता है। तभी उसे मिस्टर हाउ का फोन आने लगा था, वो उठाने की कोशिश करती है बट वो दूर फेंक देता है। यार तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, उसे धक्का मार कहती है तुझे क्या चाहिए। वो कहता है तुझे पता है मुझे क्या चाहिए, और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था। शैन चिल्ला रही थी, वो मिस्टर हाउ का फोन ही उठा रही थी इसलिए मिस्टर हाउ वहाँ जाता है और आते ही हुआंग को धोने लग जाता है। वो रोते जल्दी से उसे हक कर लेती है, चला था तुम नहीं आओगे। वो कहता है डरो मत मैं हूँ ना, और अपना ब्लेजर निकाल के उसे उड़ा देता है। तो कहता है वेट करो मैं अभी इसे सबक सिखा दूँ, और फिर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा था। हुआंग की तो डर के मारे टाइम टाइम फिस हो रही थी, पर मिस्टर हाउ उसे धो डालता है और बहुत मारता है। शैन कहती रुक जाओ इसे जान से मत मार देना वरना मर्डर हो जाएगा, पर वो बेहोश हो गई थी इसलिए मिस्टर राव जल्दी से उठाकर कार में निशाने लगा था। पर एक एम्प्लॉय उन्हें देख लेता है और उनकी फोटो खींच लेता है। मिस्टर राव कहता है तुम्हें बाहर आकर ड्रिंक करने की क्या जरूरत थी, बताओ आगे से ऐसा नहीं करोगी ना। बट वो नशे में कहती है तुम मेरा फोन क्यों उठा रहे थे, तो वो सॉरी बोलता है बट वो उसे किस करने लगी जबरदस्ती चिपकने लग जाती है। मैनेजर उन्हें देख रहा था। मिस्टर राव कहता है ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, कहीं वाइन में कुछ मिला हुआ था। पर शैन उसे जबरदस्ती किस किए जा रही थी इसलिए वो उठाकर बेड पे लिटा देता है क्योंकि वो उसकी हेल्प मांग रही थी। तो कहता है तुम ही मेरी हेल्प मांग रही हो, और उसे किस करने लग जाता है और फिर दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में उसकी आईज खुलती है तो वो उसे देख रहा था, तो वो चिल्लाकर जल्दी से ब्लैंकेट ढक लेती है। कहता है क्या हुआ रात में तो इतनी खुश थी। वो कहती है क्या बोल रहे चुप हो जाओ। वो कहता है अब क्यों शर्मा रही हो, और ब्लैंकेट उड़ा देता है बट वो उसके मार रही थी। वो उसका हाथ पकड़ कहता है मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ। कहती है पर हमारी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है ना। मिस्टर हाउ कहता है तो चलो रियल में कपल बन जाते हैं, और उसे रिंग दिखाकर शादी के लिए प्रपोज करता है तो वो हाँ कर देती है इसलिए वो रिंग पहनाकर उसे किस कर देता है और फिर ब्लैंकेट ओढ़ के उसे फिर से किस करने लगा था। इधर शैन कंपनी में आती है तो सारे एम्प्लॉयज और याओ से घूर रहे थे। याओ उसके थप्पड़ मार कहती है तूने मेरे हस्बैंड को सीड्यूस किया। शैन कहती है क्या बकवास कर रही है, मैं तो सीईओ को जानती भी नहीं हूँ, और तुझे क्या लगता है सब तेरे जैसे हैं, जैसे तू दूसरों की बॉयफ्रेंड चुराती है। या उसके मारने वाली थी बट वो उसका हाथ पकड़ के उसे मार देती है। मुझे सब पता चल गया तूने मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया था ना, और उसे धक्का मार देती है। तो एम्प्लॉयज कहते हैं तुम्हारी गलती है, तुमने इसके हस्बैंड को सीड्यूस किया है सीईओ को, और उसे फोटो दिखाते हैं जिसमें सीईओ से उठाकर लेके जा रहा था। शैन कहती है ये मेरा हस्बैंड है ये सीईओ नहीं है। चीफ कहता है ये सीईओ ही है, तुम्हें क्या लगता है कि सीईओ को ड्राइवर होगा। सब लोग शैन को सुनाने लगे थे और उसे पकड़ लेते हैं तो याओ उसके थप्पड़ मारती है। इतने में वहाँ पर मैनेजर मिस्टर राव भी आ जाते हैं और पता चलता है कि मिस्टर राव ही सीईओ है। कहता है किसने मेरी वाइफ को बुली किया, तो चीफ उसे माफी मांगता है कि हमें लगा था कि याओ आपकी वाइफ है। तो सभी एम्प्लॉय समझ आते हैं कि याओ सब नाटक कर रही थी। मैनेजर उसके थप्पड़ पे चार डालता है तो मिस्टर राव का हाथ पकड़ कहती है सॉरी मुझसे गलती हो गई,
बट वो हाथ छुड़ा के उसे गिरा देता है, तो वो शैन के पैर में पड़ जाती है। तो भूल गई हम फ्रेंड्स थे स्कूल टाइम पे, पर शैन भी उल्टा उसके थप्पड़ मार देती है कि तू है इसी लायक। क्या वो हंस के कहती है, हाँ मैंने तेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस किया था, अब मैं तेरे हस्बैंड को सेड्यूस करूंगी, अब सीओ मेरा हो जाएगा क्योंकि मैं हूँ ही इतनी ब्यूटीफुल और स्मार्ट। और शैन को धक्का मारने लग जाती है, बट मिश्रा उसका हाथ पकड़ता है, बकवास अपनी नौटंकी बंद करो। वो उसे सेड्यूस करने लग जाती है तो वो उसे धक्का मार देता है और मैनेजर से कहता है इसे अभी कभी बाहर फेंको, तो मैनेजर उसे खींच के ले जाता है। मिस्टर और शैन से पूछता है तुम ठीक तो हो ना, वो कहती है तुम ही सच में कंपनी के सीईओ हो, वो हाँ करता है। तो वो कहती है यानी तुम मुझसे शादी तोड़ दोगे, वो कहता है मैं भले ही कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ पर तुम्हारे लिए ड्राइवर हूँ। तो चीफ मिस्टर उसे माफी मांगता है कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, फिर बाकी एम्प्लॉयज भी शैन से माफी मांगते हैं तो वो उन्हें माफ कर देती है। मिस्टर कहता है तुम लोगों को काम नहीं है जाकर काम करो, तो सब लोग भाग जाते हैं। और फिर मिस्टर हाओ याव को पकड़ के अपने ऑफिस में ले गया था, फिर वो उसके मेडिसिन लगा रहा था, वो शर्मा रही थी तो वो कहता है हमारी शादी को कितना टाइम हो गया तुम शर्मा क्यों रही हो, वो कहती है अब भी ज्यादा टाइम कहाँ हुआ है, और जाने लगी थी बट वो उसे फिर से पकड़ के बिठा लेता है और किस करने के लिए क्लोज होता है। तो पूछती है तुम अब तक कितनी लड़कियों को पटा चुके हो, मिस्टर राव कहता है अपनी वाइफ के अलावा किसी को भी नहीं, वो कहती है पर मैं तो एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ सीईओ के लायक नहीं हूँ, और गुस्से जाने लगी थी बट वो उसे पकड़ के अपनी बाहों में खींच लेता है और बताता है जलस मत हो मैं शुरू से लास्ट तक सिर्फ तुम्हें लायक करूंगा। और फिर दोनों किस करने लग जाते हैं, तभी मिस्टर राव को उसकी आंटी का फोन आता है जो पूछती है मैं तुझे अपनी फ्रेंड की बेटी शादी करवाऊंगी वो बहुत सुंदर है। मिस्टर राव कहता है सॉरी बट मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, फोन काट देता है। तो शैन से कहता है मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाऊंगा, वो कहती है पर अगर तुम्हारी फैमिली ने मुझे पसंद न किया तो, वो कहता है ऐसा कभी नहीं होगा ग्रैंडमा तुम्हें पहले से लाइक करती है। तो फिर हम कंटिन्यू करें, और फिर से किस करने लग जाते हैं। बेस्टी बहुत खुश होती है कि तेरा हस्बैंड सीईओ है। इनफैक्ट शैन शॉप पे राव की फैमिली के लिए गिफ्ट लेने आती है, सेल्सल से पूछते हैं वो ब्रेसलेट कैसा है और उसे ब्रेसलेट दिखाने कहती है, बट सेल्सल कहती है तुम लोगों की औकात नहीं है ये 10 मिलियन का है। शैन कहती है पैसे तो हम बाद में देख लेंगे पहले देखने तो दो, पर वो कहती है तुम लोग इसे टच नहीं कर सकते पहले पैसे देने पड़ेंगे। बेस्टी बताती है कि शैन सीईओ की वाइफ है बट वो लड़की विश्वास नहीं करती। तभी वहाँ पर फेंग आती है और कहती है तू सीईओ की वाइफ अपनी शक्ल देखी है औकात तेरे 100 रुपए की है आई चली सीईओ की वाइफ बनने। पर जैसे ही फेंग उस सेल्सल से वो ब्रेसलेट मांगती है सेल्सल खा देती है। बेस्टी कहती है ये तो गलत है तुमने इसे को दे दिया, तो कहती है क्योंकि ये वीआईपी कस्टमर है। शैन कहती है ये तो गलत है कस्टमर्स में भेदभाव नहीं करना चाहिए, बट वो सेल्सल उन्हें उल्टा सुनाने लगी थी तो शैन उसके ऊपर ब्लैक कार्ड फेंक के मारती है। तो वो दोनों के होश उड़ गए थे किसके पास ब्लैक कार्ड कहाँ से आया, उन्हें जरूर चुराया होगा। और फेंग उसके थप्पड़ मार देती है और कहती है इन दोनों को अभी कभी बाहर निकालो। सेल्सल उन्हें बाहर निकालने लगी थी बट शैन उनके मार देती है, और फेंग मारने लगी थी तो उसे उल्टा मार देती है। फेंग कहती है तुझे पता भी मैं कौन हूँ, शैन कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पे गार्ड आ जाता है और शैन और उसकी बेस्टी को बाहर निकालने लगा था तो शैन उन्हें धक्का मार देती है, वो थप्पड़ मारने वाला था तभी मिस्टर हाउस का हाथ पकड़ लेता है। फेंग कहती है अच्छा तुम आ गए ये मुझे बुली कर रही थी। सेल्सल कहती है हाँ ये लड़की झूठ बोल रही है कि आपकी वाइफ है, बट वो उसको थप्पड़ मार देता है तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी वाइफ को परेशान करने की। और मैनेजर आकर गार्ड पे थप्पड़ मार देता है सब लोग इसे माफी मांगो, तो वो सब शैन से माफी मांगने लग जाते हैं और वो गार्ड को जॉब से फायर कर देता है। शैन कहती है तुमने तो कहा था मेरी ब्रेसलेट खरीदने की औकात नहीं है क्या तुम अपने मुझे दिखा दोगी, तो वो सेल्सल उन्हें दिखाने लग जाती है। स्टाफ कहता है अभी कभी घुटने के बल बैठ के पोछा लगाओ, तो सेल्सल पोछा लगाने लगती है। कहती है क्या सच में गवार तुम्हारी वाइफ है, कहता है हाँ कोई शक क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। तो फैंग मिस्टर हाउ के साथ अच्छा बिहेव करने लगी थी बट वो उसे माफी मांगने को बोलता है, पहले तो वो मना कर रही थी बट फिर बोल देती है। तो मिस्टर हाउ से बताता है कि ये मेरी आंटी के साइड के रिलेटिव है। फैंग उसे चिपक के आती है हाँ मैं इसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ, तो मिस्टर हाउ से धक्का मार देता है दूर हट। शैन से कहता है जेलस मत हो, फैंग से कहता है मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो मुझसे दूर रहना समझी तुम। शैन वो ब्रेसलेट लेके कहती है फेंग तुम हमारे रिश्तेदार हो ना तो मैं तुम्हें गिफ्ट करती हूँ, बट उसे देने से पहले नीचे गिर देती है जिससे वो टूट गया था। शैन कहती है अगर तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया तो गिरा क्यों दिया, और मिस्टर राव भी फेंग को ही डांट रहा था। फेंग कहती है तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, और शैन के मारने वाली थी जैसे उसे डांटता है तो चुप हो जाती है इसलिए शैन उसे चिढ़ा रही थी। मिस्टर राव कहता है तुम्हें जो भी ब्रेसलेट हो सब पसंद कर लो और जिससे तुम्हारा मन हो उसे तोड़ देना। बेस्टी सोचती है अच्छा तो डोमिनेटिंग सीईओ को जो प्यार होता है तो ऐसे होता है, मुझे तो बहुत पसंद आया। शैन उसे चिढ़ा रही थी और मिस्टर राव के साथ चली जाती है। फिर वो सब लोग खाना खाने आते हैं, मिस्टर राव जैसे कॉल अटेंड करने चाहता है बेस्टी कहती है
मैंने फोटो खींच लिया है, मैं सबको दिखाऊंगी कि मैंने सीओ के साथ खाना खाया था। फेंगवा सर, तुम जैसे गवारों से उम्मीद ही क्या की जा सकती है, बेस्टी कहती है। और तू अपने सीड्यूसिंग की आदत छोड़ दे। तो फेंग चुपचाप बैठ जाती है। बेस्टी शेन से पूछती है, क्या सीओ के 8 packs हैं? तुमने तो देखा होगा। फेंग ये सब सुन जेलस हो रही थी। शेन स्माइल करती है। मिस्टर ऑफ पूछता है, क्या हुआ? तो उसका कुल्ला हो जाता है। तभी शेन देखती है ब्लड और मिस्टर ऑफ उसे देख लेता है तो कहता है, तुम लोग खाओ, मैं और शेन कहीं जा रहे हैं। और अपना ब्लेजर उतार कर शेन को ढककर ले जाता है। फेंग कुछ बोलने वाली थी पर बेस्टी उसका मुंह बंद कर देती है। फिर मिस्टर ऑफ शेन का ध्यान रख रहा था और उसे हॉट वाटर ला के देता है और फिर अपने हाथ रगड़ के उसे वार्म अप करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे दर्द से आराम मिले। कहता है, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है ना? वो कहती है, तुम तो लड़के हो, तुम्हें कैसे पता होगा कितना दर्द हो रहा है? वो कहता है, मैं तुम्हारा हबी हूँ ना, इसलिए मुझे दर्द हो रहा है। शेन उसके चेस्ट पे हाथ रख कहती है, तुमने कब से इतनी क्रिंजी लाइनें बोलनी स्टार्ट कर दी? पर अपना हाथ हटाने लगी थी। वो कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम जितना चाहे मुझे टच कर सकती हो। पहले हटाती है फिर उसे टच करने लगी थी। कहती है, तुमने काफी एक्सरसाइज की है। तो वो उसे गुदगुदी करने लगा था। फिर वो दोनों ग्रैंडमा के घर आते हैं उनसे मिलने, तो ग्रैंडमा बड़ा खुश होती हैं। शेन उनके लिए गिफ्ट लेके आई थी तो वो थैंक यू करती हैं और कहती हैं, क्या सच है तुम दोनों ने शादी कर ली? तो मिस्टर राव ने जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। ग्रैंडमा कहती हैं, अरे वाह, सही किया बिल्कुल। मिस्टर राव सुन लो, आगे से शेन को बिल्कुल परेशान मत करना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी वहाँ पर आंटी और फेंगा चाहते हैं और कहती हैं, ये गाँव की गवार की वजह से घर में बदबू आ रही है, इस गवार ने तो अच्छे कपड़े कहाँ से पहन लिए। मिस्टर राव कहता है, बकवास बंद करो, मेरी वाइफ जो मर्जी पहने, जो मेरा है वो मेरी वाइफ का है। वो कहती है, तू इसे अपनी प्रॉपर्टी कैसे दे सकता है? मिस्टर राव कहता है, मेरी मर्जी, मैं सीओ हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। पर ग्रैंडमा डांट के सबको चुप करा देती है कि ये लड़ाई करने आए हो, डिनर करने आए हो। फेंग कहती है, कितना घटिया गिफ्ट है, और शेन वाला गिफ्ट नीचे फेंक देती है। तो ग्रैंडमा, मैं आपके लिए 10 million का नया नेकलेस लेके आई हूँ। ग्रैंडमा कहती है, नाटक बंद कर, मुझे सब पता है तेरा। एंड तुम क्या लेके आई हो? शेन कहती है, ग्रैंडमा की तबीयत खराब है ना, तो मैं उनके लिए मेडिसिन लेके आई हूँ। वो लोग कहते हैं, जरूर घटिया मेडिसिन होगी, वो भी ये मिस्टर हाओ के पैसों से खरीद के लाई होगी। तभी वह अंकल आ जाते हैं और वो मेडिसिन को ध्यान से देखने लगे थे और बताते हैं कि रियल में ये बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन है, ये कहीं नहीं मिलती जल्दी से। बड़ी फेंग बकवास कर रहे थे तो कहते हैं, तुम दोनों को बेचने के बाद में नहीं मिलेगी ये। फेंग कहती है, जरूर इसने मिस्टर हाओ के पैसों से खरीदी होगी इतनी महंगी। अंकल शेन से पूछते हैं कि तुमने ये मेडिसिन कहाँ से लेके आई हो? तो शेन बताती है कि मेरे ग्रैंडपा पहले डॉक्टर थे, उन्होंने ये मेडिसिन बनाई थी और मुझे गिफ्ट दी थी, तब से मैंने संभाल के रखी है। और फिर सब लोग साथ में खाना खाते हैं। वो दोनों अभी बकवास की जा रही थी तो मिस्टर हाओ कहता है, बहुत हो गए तुम लोगों का, अभी के अभी निकलो यहाँ से। तो वो दोनों भाग जाती हैं। आंटी गुस्से में थी तो फेंग कहती है, ये मिस्टर हाओ की गलती नहीं है, वो उस लड़की की वजह से हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। और दोनों डिसाइड करती हैं कि वो शेन को सबक सिखाएंगी। फेंग कहती है, कुछ भी हो जाए मैं मिस्टर हाओ को अपना बना के रहूंगी। पर मैनेजर उन दोनों का प्लान सुन लेता है और फिर वो जाकर शेन को बता देता है। शेन कहती है, कोई बात नहीं, करने दो उन्हें, हम भी उन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे। मिस्टर हाओ ऑफिस में था तभी शेन आती है, उसके क्लोज होने लगी थी तो उसे पकड़ के अपनी गोद में गिरा लेता है और कहता है, तुमने तो कहा था ऑफिस में रोमांस नहीं करना। शेन कहती है, डरो मत, मैंने गेट लॉक कर दिया है। वो कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? और उसे किस करने लगा, बट वो कहती है, बहुत टाइम हो गया, मुझे काम पे जाना होगा, और भाग जाती है। फिर जब वो जा रही थी तो उसे पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसके डंडा मारने वाला था, बट शेन जानबूझ के पहले भी होश हो जाती है डंडा लगने से पहले ही। जब उसकी आईज खुलती हैं तो वहाँ आंटी और फेंग थी, तो कहती है, मुझे पता ही था तुम दोनों सुधरोगी नहीं। दोनों कहती हैं, तू बड़ी खुश हो रही ना सीओ की वाइफ बनकर, पर अब यहाँ से बच के नहीं जा पाएगी। फेंग उसके बाल पकड़ कहती है, क्योंकि सीओ की वाइफ सिर्फ मैं बनूंगी, समझी तू? और वहाँ पे दो लड़कों को बुलाते हैं, किस लड़की को छोड़ना मत किसी भी लायक, तुम चाहे जितना मर्जी चिल्ला लो, कोई नहीं तुम्हें बचाने आएगा। वो दोनों लड़के शेन के करीब आने लगे थे बट उल्टा वो तो उसकी रस्सियां खोल देते हैं। आंटी कहती है, क्या कर रहे तुम दोनों? तो वो कहते हैं, इसने हमें तुमसे भी ज्यादा पैसे दे दिए थे। पर वो दोनों उसे धक्का मार कहते हैं, शेन ने हमें तुमसे ज्यादा पैसे दे दिए थे। शेन कहती है, तो आ गया स्वाद, कैसा लगा? खुद का प्लान खुद पे भारी पड़ गया। तुम दोनों इन दोनों का अच्छे से ध्यान रखो। वो दोनों लड़के उन दोनों के करीब होने लगे थे, कहते हैं, ये वाली मेरी। वो कहता, वो वाली मेरी। वो दोनों चिल्ला रही थी बट वो उन्हें एक एक करके पकड़ लेते हैं। जो वो शेन के साथ करने वाली थी वो लड़के उल्टा उनके साथ वही कर रहे थे। शेन खुश हो रही थी तभी वहाँ पर मिस्टर हवा चाहता है तो वो लड़के भाग जाते हैं। दोनों उसके पैर में पड़ जाती हैं। शुक्र है तुमने हमें बचा लिया, वरना शेन हमें कहीं का नहीं छोड़ती। आंटी कहती है, हम अभी कभी पुलिस बुलाएंगे। शेन कहती है, ना तो तुम्हारी चोट लगी है और ना तुम हर्ट हुए हो, तो पुलिस क्यों आएगी? मिस्टर हवा पूछता, तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है, अगर तुम नहीं आते तो मैं इन दोनों को सबक सिखा चुकी होती।
दोनों चिल्ला रही थी तो मिस्टर ओ कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है तुम दोनों ने क्या घटिया प्लान बनाया था? अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो फैमिली से बाहर निकलवा दूंगा, समझी तुम? और फिर शेन को अपने साथ ले जाता है। बट ये फैन कहाँ सुधरने वाली थी। शेन कहती है, क्या तुम गुस्सा हो मैं तुमसे ये बात छुपाई? मैं बहुत बुरी हूँ ना। मिस्टर ओ कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जैसा उन लोगों ने पहले तुम्हें बुली किया था तो तुमने बिल्कुल सही किया। अच्छा है, तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हो मेरे बिना। अगर सपोज करो मैं कहीं चला गया तो तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना तो आता है ना। कहती है, क्या मतलब तुम कहाँ जाओगे? तुम मुझे छोड़ने का सोच रहे हो? मिस्टर ओ कहता है, अरे मेरा वो मतलब नहीं था। वो कहती है, ओके तो हम ब्रेकअप कर लेंगे, उसके बाद मैं हैंडसम से लड़का ढूंढूंगी। मिस्टर ओ जेलस हो रहा था और कहता है, तुम मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाओगी, और उसे किस करने लग जाता है। फिर वो दोनों घर आते हैं तो फैंग और आंटी पहले ही वहाँ बैठी थी। वो दोनों कहती हैं, सॉरी हमने जो भी किया आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, तो ऐसी अपॉलोजी, ये जूस पी लो। सब लोग वो पी रहे थे इसलिए मिस्टर ओ भी पी लेता है, पर उसमें नशा मिला हुआ था जिससे उसका सिर घूम रहा था। और उसके कमरे में फैंग आ जाती है उसे सिड्यूस करने के लिए। वो उसे धक्का मारता है, क्या कर रही हो, दूर हटो मुझसे। बट वो उसके साथ जबरदस्ती कर रही थी। तभी शैन उसके रूम में आती है और उन दोनों को देख उसका दिल टूट गया था इसलिए भाग जाती है। मिस्टर ओ उसके पीछे जाने लगा था, फैंग उसे रोक रही थी तो उसका गर्दन पकड़ लेता है और वहाँ उसे मार के भगा देता है। फिर वो मैनेजर को कॉल करता है कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ और शैन का ध्यान रखना। मिस्टर ओ जब ठीक हो गया था तो वो आंटी और फैंग पर गुस्सा करता है कि उन दोनों ने उसके जूस में नशा मिलाया था। वो दोनों उससे माफी मांगते हैं, बट इस पर ग्रैंडमा भी उन्हें माफ नहीं करती क्योंकि वो भी गुस्से में थी, और वो उन दोनों को घर से बाहर निकाल देते हैं। शैन गुस्से से जा रही थी तभी उसका भाई आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, प्लीज बहन इस बार मुझे बचा ले। इनफैक्ट उसके पीछे गुंडे पड़े थे जो उससे पैसे मांग रहे थे। कहते हैं, तुझे अपने भाई कर्जा देना होगा। वो कहती है, तुम कितने घटिया हो, और उसके थप्पड़ मार देती है। शैन को गुस्सा आ रहा था पर फिर पूछती है, बताओ कितने पैसे? कहते हैं 2 मिलियन। तो शैन को और गुस्सा जाता है, 2 मिलियन, तूने तो कहा था कि तू गैम्बलिंग नहीं करेगा। बट वो लोग उससे पैसे मांगे जा रहे थे इसलिए शैन उन्हें अपना क्रेडिट कार्ड दे देती है। गुंडे क्रेडिट कार्ड तो रख लेते हैं पर कहते हैं, हमें तू भी अच्छी लग रही है। पर उसका भाई उसे बचाने के बजाय भाग जाता है। गुंडे शैन के साथ जबरदस्ती कर रहे थे तभी वहाँ मिस्टर हवा आकर उन्हें धोने लग जाता है और पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? गुंडे वर लाइक, तू यहाँ हीरो बनने आया है? और उसके डंडा मारने लगे थे बट वो उसे लात मार देता है। मिस्टर हवा शैन को देख रहा था तभी गुंडा आकर उसके सिर पे डंडा मार देता है जिससे वो नीचे गिर गया था। मैनेजर और बॉडीगार्ड के आते ही सारे गुंडे भाग जाते हैं। वो रोने लगी थी और पूछती है, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? वो बताता है कि आंटी और फैंग ने मिलकर मेरे जूस में कुछ मिला दिया था, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ, मेरे विश्वास करो, मैंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। और बेहोश तो कहती है, मुझे तुम पे भरोसा है, और रोने लगी थी, जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं हम शैन को जो काफी बनठन के बार में जा रही थी। वो अपने पेट पे हाथ रखती है और फिर एक रूम में घुस जाती है जहाँ पे लड़कियाँ मिस्टर ओ को ड्रिंक करने को बोल रही थी बट वो उन्हें भाव नहीं दे रहा था। गर्ल्स कहती हैं, हमें नहीं पता था तुम्हारी वाइफ इतनी स्ट्रिक्ट है। वो उसके आते खड़ा हो जाता है तो पूछती हैं, तुम कौन हो? पर शैन जैसे ड्रिंक देती है वो पी लेता है तो गर्ल्स हैरान थी कि इसकी बात क्यों मान रहा है। शैन कहती है, अब तो तुम्हें समझ में आ गया कि मैं कौन हूँ। कहता है, सॉरी वाइफ मुझे माफ कर दो। शैन कहती है, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। पर फिर वो गुस्से जा रही थी तो कहता है, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो। वो कहती है, तुम मेरी पीठ पीछे फिर से ड्रिंक करने आए थे। मिस्टर ओ कहता है, और क्या करता, तुमने कई दिन से मुझे घर में लॉक कर रखा था। वो कहती है, तुम्हें पता है ना तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है सही से, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। और गुस्सा थी तो उसे मनाने लग जाता है तो शैन उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो लगता है कि वो नाटक कर रही है बट वो कहती है, तुम्हें विश्वास नहीं है? वो कहता है, हाँ हाँ पूरा विश्वास है, तुम प्रेग्नेंट हो यानी मैं बाप बनने वाला हूँ। वो हाँ करती है तो खुशी के मारे उसे गोद में उठा लेता है और घुमाने लगा था। इनफैक्ट वो बहुत खुश था कि वो पहली बार बाप बन रहा है और उसे हक कर लेता है। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।